हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक इजी विद साक्षी। आज की मेरी एक रेसिपी डेजर्ट रेसिपी है जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही मिनिमम 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी और ये 3 इंग्रेडिएंट्स आप सभी के घर पे इजीली अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आज की रेसिपी का नाम, जिसका नाम है 3 लेयर्ड मैंगो डेजर्ट पुडिंग। तो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, टोन मिल्क यूज़ किया है मैंने। आप चाहे तो आप इसमें फुल फैट भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, वेनिला वाला लिया है मैंने यहाँ पे कस्टर्ड, और ये ठंडे दूध में मैं मिला रही हूँ। इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, कोई भी गांठ इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। आप एक पैन में डालेंगे दोबारा से थोड़ा सा दूध, ये भी लगभग मैंने 1 कप दूध लिया होगा। और आप दूध के अंदर हमें डालना है 1 चम्मच शुगर। शुगर मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंगो में ऑलरेडी स्वीटनेस होता है, तो इसमें हम 1 चम्मच ही डालेंगे। अच्छे से हिला दिया मैंने इसको। गैस को मैंने मीडियम टू हाई रखा है इस टाइम पे। थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं और अब इसके अंदर हम डालेंगे कस्टर्ड वाला सॉल्यूशन और इसको लगातार हमें चलाते जाना है, बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ना है क्योंकि जो कस्टर्ड होता है वो नीचे चिपक जाता है। तो लगातार हम इसको चलाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। मुश्किल से 4 से 5 मिनट में ये अच्छा बढ़िया थिक हो जाएगा। कस्टर्ड अच्छे से थिक होना स्टार्ट हो गया है, देखिए। बस 1 मिनट और इसको चलाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडा होके कस्टर्ड अपने आप ही थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसमें उबाल आ गया है, कोई भी गांठ नहीं है और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। 1 मिनट के बाद इसको हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से कस्टर्ड को मैंने एक बोल के अंदर डाल लिया है और अब इसको रेफ्रिजरेट करेंगे हम लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। कस्टर्ड यहाँ पे मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है, मैंने फ्रीज़र में रखा था इसको, फ्रिज में नहीं रखा था। और अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा ग्लास लिया है, आप कोई सा भी ग्लास ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास 2 इंग्रेडिएंट और हैं, सबसे पहले आपको उनके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें और ली हैं। ये है क्रश्ड बिस्किट्स, जो बिल्कुल प्लेन बिस्किट्स आते हैं जो क्रीम वाले नहीं होते हैं, वो वाले बिस्किट आप ले सकते हैं, कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं सिंपल बिस्किट्स का। मैं फ़िलहाल यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ पार्ले जी बिस्किट। क्रश मैंने कैसे किया है, बस मैंने मिक्सी में डाल के उनको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने मैंगो प्यूरी, इसमें भी मैंने सिर्फ इसको मिक्सी में डाल के इसको घुमा दिया है। और अब मैं यहाँ पे लूँगी ये वाला गिलास और सबसे पहले हमें ग्लास के अंदर डालना है क्रश्ड बिस्किट्स। इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे, ये देखिए, थोड़ा सा इसको दबा देंगे। और अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें सेकेंड, मैं एक्चुअली अकेले ही खुद ही शूट कर रही हूँ तो सारा ध्यान रखना पड़ता है। एक हाथ से मैं कैमरा की सेटिंग कर रही हूँ, दूसरे हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ इसके अंदर डाल के। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे कस्टर्ड की लेयरिंग, तो अभी 2 लेयर कर दी है हमने, एक हमने बिस्किट की कर दी है, एक हमने आपके यहाँ कस्टर्ड की कर दी है। और अब एक लेयरिंग हमें करनी है मैंगो की, ये देखिए
दो दो स्पून डाल रही हूँ मैं सारी चीजें। इसको थोड़ा सा हमने सेट कर दिया, ये देखिए कितने बढ़िया इसकी, बिल्कुल इतना बढ़िया ये लग रहा है, लेयरिंग सेट हो गई है इसकी, ये देखिए। अब यही सेम प्रोसीजर हमें दोबारा से रिपीट करना है। डालेंगे बिस्किट्स, और अब इस पे कस्टर्ड और मैंगो प्यूरी भी डाल देंगे। देखिए सेम लेयरिंग मैंने दोबारा से रिपीट कर दी है, कितना बढ़िया इसका कलर आ रहा है, बिल्कुल थ्री लेयर्स। और ऊपर से अब इस पे हम दोबारा से डाल देंगे मैंगो का प्योरे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं दबा के इसको सेट कर देती हूँ, और डाल देंगे कटे हुए मैंगो के पीसेस, और थोड़ा सा बिल्कुल साइड में मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा डाल देती हूँ कस्टर्ड वाला बैटर। तो फाइनली एक बहुत ही इजी टू मेक, बहुत ही डिलीशियस आपका मैंगो थ्री लेयर कोटिंग डेजर्ट बिल्कुल बनके तैयार है। इस लॉकडाउन के टाइम पे आप इसको जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।